बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन तकरीबन 4-5 साल से सारी टाइम लोगों को ढोल बजा के जगाने वाले साईं हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, जो जब पैदा हुए तो उन्होंने आँख जो खोली तो उनके इर्द गिर्द ढोल ही मौजूद थे। मीन के उनको ये विरासत में एक ये चीज़ मिली है और एक अरसा ज़िंदगी का हो चुका उन्हें ये ढोल बजाते हुए। एक अरसा था जब उनको शादी ब्याह पर बुलाया जाता था, मेले ठेलों पर बुलाया जाता है, या किसी की कोई तकारीब होती है तो उस पर बुलाया जाता है। आज वो बता रहे हैं कि जी बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कोरोना की वजह से कि उनको सहरी के टाइम भी ढोल बजाना पर वो मजबूर हो चुके हैं। साईं साहब से पूछते हैं कि उन्होंने ये ढोल बजाना कहाँ से सीखा। तकरीबन 7 किस्म के इंस्ट्रूमेंट पे वो बजा सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की वो बीट पे ये बजा सकती हैं ढोल को, तो वो भी उनसे सुनेंगे, आपको सुनाएँगे कि किस तरह वो बीट चेंज करते हैं और ये सहरी टाइम जो लोगों को जगाती है तो फिर अपनी सहरी ये किस टाइम करते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये ढोल बजाते हुए? भाईजान बहुत अरसा हो गया, मेरी तो जिंदगी ऐसे काम च गुजरी है भाईजान, लेकिन ऐतकी जड़ा ने करोना वाले ने काम खराब किया सारा, इस वजह तो मैंनू सहरी जो भी उठाना पै गया। अच्छा, सहरी टाइम जब उठाती हैं तो किस तरह आपको आइडिया है कि मैं ये सहरी टाइम लोगों को? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी उस वजह से? बस इसी वजह से बेरोजगारी तो ढोल बजाना पड़ गया है, ये रोजी मिलती नहीं है, क्या करें हम, रोजी तो कमानी है, इस वजह तो थोड़ा यह काम करना पड़ गया है ये। अच्छा, सहरी टाइम जब आप लोगों को जगाना शुरू करते हो तो अपनी सहरी किस टाइम करते हैं, क्या करते हैं, रोज़ा रखते हैं नहीं रखते? रखते हैं भाईजान, हम लोगों को उठाते हैं जिस टाइम देखें भी 10-15 मिनट रह गए रोज़ा यानी कि बंद होने में, तो उस टाइम आप घर आ जाते हैं, उस टाइम फिर आप रोज़ा रखते हैं। अच्छा, तो कितनी इनकम आपको आ जाती है? ये पूरा मंथ तकरीबन रमज़ान का गुजर चुका है, गुजरने वाला है, तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं? इसकी कोई आइडिया नहीं है। हाँ जी, ये हवाई रोजी है, ये लग जाए तो 10-12 हज़ार भी हो जाता है, ये ना लगे तो फिर 500-600 भी नहीं होता। अच्छा, पूरा महीना आप लोगों को जगाती है और एंड पे जाके पैसे करके साथ साथ इकट्ठा हो जाओ, कितना इलाका है जिसको आप कवर करती है? नहीं नहीं, एंड पे जैसे आज 27वां रोज़ा था, आज से हमने थोड़ा यह शुरू कर दिया है पैसे लेने, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, जितने भी दे रहा है हमने, क्योंकि कर्जा थोड़ा लेना है, ये इतने हम लेते जा रहे हैं, ईद वाले दिन भी देंगे अल्लाह करेगा, जो कुछ हमारी किस्मत का मिल जाएगा। अच्छा, हमने सुना है कि जब आप पैदा हुए तो आपके इर्द गिर्द ढोल ही पड़े हुए थे, ढोलों के अंदर ही आप पैदा हुए, तो किन से सीखा? घर वालों से सीखा है? और ये कितनी किस्म का इंस्ट्रूमेंट जो आप कितनी किस्म का इस्तेमाल कर लेते हैं? मैंने भाईजान अपने भाई से ही सीखा है, तो तकरीबन और इसकी किस्मत बहुत है जो हमारे को याद है ना, 7 किस्में का वो हम बजा सकते हैं। चलें, 7 किस्में नाज़रीन आपको सुनाते हैं, ये 7 किस्म का ढोल बजाएंगे तो ज़रा सुने आप भी। पहले जी हम लोग नौबत बजा रहे हैं भाईजान, बिस्मिल्लाह है। ये दूसरी बीट है, चौथी किस्म, पांचवी, छठी, सात, आठवीं, आठवीं।
जी नाज़रीन, ये तकरीबन 8 किस्म का इन्होंने ये आपको ये ढोल बजा के इन्होंने दिखाया है। तो ये सारी टाइम लोगों को जगाते हैं, ये हमारी एक सकाफत है। मेलों ठेलों पे आपको पता है कि अगर मेले के ऊपर ढोल ना हो तो उसकी वो जो रौनकियाँ वो नहीं होती। किसी शादी ब्याह पर अगर ढोल ना बजाया जाए तो उसको कहते हैं अधूरा समझा जाता है। तो इन लोगों की दिल खोल पर आप मदद कीजिए, ये मुस्तहिक हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से जहाँ पूरी दुनिया मुतासर हो चुकी है, ये भी अब मजबूर है। इनका काम बहुत था, इनको तो कहते हैं कि जी हमें फंक्शन बहुत ज़्यादा थे हमारे पास, लेकिन मेले की वजह कोरोना की वजह से अब हम मजबूर हो चुके हैं कि लोगों को सैरी टाइम जगाने के लिए आपको ये जगाते हैं बाकायदी के लिए। इनकी दिल खोल कर मदद कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।